हम आपको क्ले से गणेश जी बनाना सिखाएंगे। पहले हम एक हाथी का मुंह बनाएंगे, क्योंकि गणेश जी का मुंह हाथी जैसा ही तो था। फिर उनके कान के लिए हम ये दो लाइन खींच लेंगे, या फिर आप गोल भी कर सकते हैं। चलिए हमने तो गोल ही कर दिया है। फिर हम ये सूंड इधर पर कर देंगे, और फिर गणेश जी के दांतों के लिए एक दांत लंबा बनाएंगे और एक दांत छोटा। इधर का दांत लंबा और इधर का दांत छोटा, क्योंकि यहाँ का दांत तो आपको पता ही होगा कि कटा हुआ है, तो गणेश जी अपने दूसरे हाथ में रखते हैं। और अब हम इनकी आंखें बनाएंगे, और उसके लिए आप ब्लैक या वायलेट ले सकते हैं। हम व्हाइट के बीच में ये रखते हैं छोटा सा, ब्लैक या वायलेट, और फिर उनकी आंखें बन जाएंगी। फिर हम उनका ताज बनाएंगे, रेड लेंगे या फिर डार्क पिंक भी ले सकते हैं। ताज के लिए तो कोई सा भी कलर ले सकते हैं, पर हमने रेड लिया है। फिर उसके ऊपर हम ये डार्क पिंक रख देंगे, और फिर से रेड लेंगे, और फिर इस तरह को ऐसे कर देंगे। ये गणेश जी का ताज बन चुका है। अब हम उनका पेट बनाएंगे, गोल कर देंगे थोड़ा लंबा, और यहाँ पे ऐसे पेट कर देंगे। आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। और अब उनके पैर बनाएंगे। पहले हम रेड लेंगे या फिर येलो लेंगे, और फिर पैरों के लिए ऐसे कर देंगे, और फिर थोड़ा और रेड लेंगे, और फिर उन्हीं पैरों को जोड़ देंगे इस, और फिर वो गणेश जी के यहाँ चिपका देंगे जैसे कि वो अलौठी मार के बैठे हो। और फिर उनके पैर ऊपर को करेंगे या फिर ऐसे। अब उसमें उंगलियाँ भी बना सकते हैं, और फिर उनके हाथों में एक में मोदक और एक आशीर्वाद देता हुआ हाथ। हमने इसमें पीला मोदक रखा है, पर आप इसमें कोई भी रंग का मोदक रख सकते हैं, स्किन या ऑरेंज। अब हम आशीर्वाद देता हुआ हाथ बनाएंगे, इसमें हमें इनकी उंगलियां बनानी है। पहले ये बेबी उंगली, बेबी फिंगर, सिस्टर फिंगर, सबसे ऊंची यानी कि टॉलेस्ट ब्रदर फिंगर, मदर फिंगर, और फिर फादर थंब को ऐसे कर देंगे, और फिर यहाँ पर इन्हें ऐसे जोड़ देंगे। फिर ऐसे करेंगे और एक ट्रायंगल बना देंगे, फिर ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ रख देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से गणेश जी बन गए।